लेकिन जो अपनी लाइफ मैंने गुजारा हूँ, मैं बॉम्बे में मेरी पैदाइश हुई, हेलो, मेरी बॉम्बे में पैदाइश हुई है और मैं मिडिल क्लास का था, 10x10 के झोपड़े में मेरी जिंदगी गुजरी और लाइफ के बॉम्बे में मैं स्टडी करता था और उस टाइम ये सब अरेंजमेंट नहीं था जो आज आप लोग बच्चों को दिए जाएंगे। दीन और दुनिया कहते हैं, अगर हमारा भाई एक हाथ में दुनिया की तालीम और एक हाथ में अफीरत की तालीम लेके निकलेगा तो उसको किसी की मोहताज होने की ज़रूरत नहीं होगी। आज अगर आप कोई ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ पे हम भाइयों को तकलीफ होती है, पेपर का कुछ काम कराना है तो वो लोग बोलते हैं ये तो गैर कौम है, ये तो हमको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हमारा भाई उधर बैठा नहीं है कुर्सी पर। अगर हमारा भाई वहाँ बैठा होता तो वो काम हमारा पहले करता, और वो हमारी कोताही है कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन कम्प्लीट नहीं कराते हैं। जिस तरह हम सीरियस होते हैं हाफिज बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए, उसी तरह सीरियस होना चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। आज हमारे साथ में इतने बड़े लोग बैठे हैं, इनके अम्मी अब्बा अगर यही सोचते तो आज ये पोजीशन पे नहीं आते। और हमको भी ये सोचना है और हमारे बच्चों को भी ये बोलना है कि भाई आप दीन और दुनिया दोनों करो, क्योंकि दुनिया तो यही रह जाने वाली है, आखिरत की भी तैयारी चाहिए। और आखिरत की तैयारी कब होगी? जब ऐसे मदरसे में, मस्जिदों में हम जुड़ेंगे तब। तो जितना हो सकता है वक्त हमने स्कूल में लगाते हैं, उतना ही वक्त हम मस्जिद में भी लगाएं। हम पांचों टाइम के नमाजी बने, परहेजगार बने और हमारा माहौल ऐसा बनाए कि हम हमारे आजू बाजू जाए, कोई भी हो, किसी भी तबके का हो, उनको इस बात का एहसास दिलाए कि हम मुसलमान हैं, हमें हमारे मुसलमान होने पर फख्र है। ये नहीं कि शर्मिंदा करके हम नीचे मुंडी कर ले, बड़े रुबाब से सीना तान के बात करें कि हम मुसलमान हैं बोल के। ये नहीं कि पांच हिंदू लोग जमा हो गए, गैर कौम जमा हो गए और हम चुपके से बैठ गए, नहीं, क्योंकि हम भी हैं इंसान और हमारे पास भी इल्म है, हमारे पास भी अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि हर कोई यही बोलेगा भाई ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे साथ क्या बात करेगा बोले। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं पर भी बात करेंगे। इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आज हमको खाना के साथ में पानी जरूरी है, उसी तरह जिंदगी में जीने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और जो एजुकेटेड रहेगा वो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, अपने उस्ताद की इज्जत करेगा, अपने बड़ों की इज्जत करेगा। और जो एजुकेशन नहीं होगा ना, ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना वो आखिरत में कामयाब हो सकता है। अभी हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं न्यू जनरेशन के, अब इनको इस बात पर फिक्र होनी चाहिए कि आज मैं कुरान शरीफ पूरा कर रहा हूँ, मैं हाफिज बनूंगा, कारी बनूंगा, मुफ्ती बनूंगा, उसके साथ में मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, तो वो अगर दिल में तय करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई ऐसे ही प्लेट में सजा के नहीं मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ के 40 साल मेहनत की, कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल में 2003 से लेकर 2013 तक का मैंने उधर काम किया। और उसके बाद मुझे क्या समझ में आया कि मैंने पूरी लाइफ मेरे बाल बच्चों के लिए, लोग के लिए खर्च की। मैंने अपने लिए क्या खर्च किया? कुछ भी नहीं किया। कल मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं अल्लाह के घर क्या जवाब दूंगा? यहाँ तक का कभी तो मैं जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि मशगूल था, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सुबह से शाम तक खाली पैसों के चक्कर में भागता था। लेकिन आज इस बात की समझ आ रही है, जब मुझको कोरोना हो गया, जब मैं वेंटिलेटर पे रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर कल मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला पहला सवाल मुझसे यही पूछा जाएगा कि तुमने फजर की नमाज पढ़ी क्या? तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के घर? आप लोग बोलिए, जवाब दे सकते हैं? अगर पढ़े ना तो बोलेंगे हाँ मैंने पढ़ी है बोल के, लेकिन नहीं पढ़े तो पकड़ हो गई आपकी। तो ये मुझे कब समझ आई? 53 साल की उम्र में, जिसमें से मैंने 25 से 30 साल सिर्फ कमाने में गुजारा। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जोश था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन की लाइफ में जी रहा था। बॉम्बे में अगर एक दिन दवाखाना बंद रखेंगे तो दिमाग में ये ख्याल आता है, अरे अभी मैं बंद रखा हूँ तो मेरे पेशेंट और क्लिनिक में चले जाएंगे, बोल के कभी दवाखाना बंद नहीं रखा। सिर्फ लालच कि पैसे पैसे पैसे, तो पैसे सब कुछ नहीं है जिंदगी में। हमारी आखिरत बनानी है तो आखिरत बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे अकेले कहने से या सबके कहने से मेहनत पूरी नहीं होगी, ये आवाम की मेहनत में ये काम पूरा होगा। तो ये तय करिए कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। जैसा आज ये स्कूल चालू हो गई है और इसमें काम कर रहे हैं बड़े लोग मिलकर, ये मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ में आप सबकी ज्वाइन हो जाओ, आप लोग भी मेहनत करो, तो इंशाल्लाह ये आज चारा रहा है तो कल रुपया हो जाएगा। और जिंदगी कामयाबी की निशानी शुरू बीज से होती है, जमीन में बीज बोते हैं और अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह उसमें से पौधा बनाता है, फल देता है।
हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारी जो नस्लें होती हैं उसका फायदा उठाती है, और ये फायदा हमको उठाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।